ओम शांति। इतिहास के पन्नों में कुछ आत्माएं अपनी विशेषताओं के कारण अपना नाम सदा के लिए अमर कर जाती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसी ही विशेष आत्मा, महान त्याग तपस्या की मूर्त आदि रत्न दादी बृहशांता जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय बातें। दादी बृहशांता जी हैदराबाद सिंध के बहुत धनाढ्य चेनराई परिवार से थी। आप दीदी मनमोहिनी जी की चचेरी बहन, लीलावती माता की पुत्री और हरदेवी दादी की लौकिक छोटी बहन थी। आपके लौकिक पिता दादा मूलचंद हैदराबाद सिंध के नामी रईस थे। सन 1937 में आप तोलाराम गर्ल्स स्कूल सिंध में पांचवी कक्षा में पढ़ती थी, तब मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही आप अपनी लौकिक माता लीलावती और बहन हरदेवी के साथ स्कूल की छुट्टियों में जशोदा निवास, जहां ब्रह्मा बाबा का परिवार रहता था, वहां जाने लगी। आपके परिवार से आपकी लौकिक बड़ी बहन हरदेवी पहले ज्ञान में आई, फिर आप अपनी लौकिक माता लीलावती के साथ ज्ञान में आई। जशोदा निवास में जब आपने बाबा से ज्ञान सुना तो उस ज्ञान ने आपका देह अभिमान निकाल दिया और आपने अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा करने का ख्याल त्याग कर स्वयं को ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। प्रारंभ में आपको बहुत बंधनों का सामना करना पड़ा, जो आपके ही पिता दादा मूलचंद और चाचा द्वारा लगाए गए थे। जब आप कराची में बाबा के पास रहने लगी तो आपके पिता ने आपके खिलाफ वारंट निकलवाकर वापस हैदराबाद सिंध भेज दिया था। दीदी मनमोहिनी और आप सबके ओम मंडली में जाने के वे पक्ष में नहीं थे और इसी कारण दीदी मनमोहिनी को भी अपने लौकिक परिवार को छोड़ना पड़ा था। परंतु बाद में आपके पिता दादा मूलचंद ने समय प्रति समय यज्ञ को धन व स्थूल रूप से काफी सहयोग दिया। भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान जब सिंधी परिवार सिंध हैदराबाद छोड़ भारत के शहरों में चले गए तो आपका लौकिक परिवार, आपके पिता और अन्य सदस्य भी मुंबई स्थानांतरित हो गए। जब 1950 में यज्ञ माउंट आबू स्थानांतरित हुआ तो आपके पिता दादा मूलचंद ने कराची से माउंट आबू आने तक का खर्चा किया। माउंट आबू में भरतपुर के राजा की कोठी ब्रज कोठी में पहले पहले आप सब बाबा के साथ आकर रहे थे। शुरू में जब यज्ञ कराची में था तो उस समय ज्ञान कम था लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव ज्यादा होते थे। बहनें ट्रांस द्वारा, दिव्य दृष्टि व साक्षात्कार द्वारा रास का पाठ बजाती थी। कोई कृष्ण संग तो कोई राधे संग रास करता, कोई सतयुग के रसम रिवाज करता। उस समय ध्यान दीदार का पाठ बहुत चलता था। संदेश पुत्रियां वतन से संदेश लाती थी और उसे प्रैक्टिकल में यहां करती थी। कैसे सखियां आपस में खेलती हैं, राधे कृष्ण रास करते हैं आदि। ऐसे ज्ञान की लाइट और माइट को आपने जीवन में प्रैक्टिकल रीति से धारण किया। जब यज्ञ का स्थानांतरण माउंट आबू में हुआ तो यज्ञ के विस्तार हेतु भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवाओं का आरंभ हुआ। समाज के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लेटर भेजकर उन्हें परमात्मा का संदेश देना, उनसे पर्सनल मुलाकात कर ज्ञान की चर्चा करना आदि सेवाओं का आरंभ हुआ। उसी दौरान बाबा ने आपको आपकी लौकिक माता लीलावती के साथ सेवार्थ पुणे महाराष्ट्र में भेजा था। आपके लौकिक परिवार ने ही क्वार्टर गेट पुणे में फ्लैट खरीद कर दिया था और यहीं रहकर आपने लंबे समय तक सेवाएं दी। आप पुणे क्वार्टर गेट सब जोन
तथा उनसे संबंधित अनेक सेवा केंद्रों और उपसेवा केंद्रों का संचालन करती थी। आपका विदेश की सेवाओं में भी जाना हुआ, जैसे लंदन, फिलीपींस आदि। आपके लौकिक पिता ने आपकी विदेश यात्रा के दौरान भी धन से सहयोग किया, आपके लंदन जाने की टिकट भी बनवाई थी। दीदी मनमोहिनी जी ने आपका ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का कराने में अग्रणीय भूमिका निभाई थी। आप सदा यज्ञ स्नेही, शांत चित्त, सरल, निर्भय, निर्लिप्त आत्मा बनकर रही। यज्ञ में आपने हर प्रकार के कार्य किए, जैसे कपड़े सिलना, कार चलाना, खाना बनाना आदि। आप यज्ञ की हिस्ट्री बड़े प्यार से सबको सुनाती और खुशियों के गीत गाती रहती थी। आपने मम्मा बाबा की मुरलियों की अनेक डायरियां लिखी थी, जो बड़ी रुचि से आप सबको सुनाती रहती थी। आपको ये अलौकिक सूक्ष्म नशा रहता था कि ब्रह्मा बाबा और मीठी माँ के साथ कल्प वृक्ष के नीचे जो ब्राह्मण वत्स बैठे हैं, उनमें आपका भी विशेष स्थान है। आपने 3 जून 2012 को सायं 7 बजे अपना पुराना देह त्याग कर बाप दादा की गोद ली। ऐसे यज्ञ के आदि काल से साकार मम्मा बाबा के अंग संग रह पालना लेने वाली और यज्ञ प्रति जीवन समर्पित करने वाली यज्ञ प्रेमी आत्मा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्यों की स्मृतियां, धैर्यता और सहनशीलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।